अच्छा, आज जो मुझे डिस्कस करना है ना तुम लोगों के साथ, वो है PPT 2 का प्लान। अब जिस जिसने भी 10 डे सेशन को फॉलो किया है, चाहे वो यूट्यूब पे या जूम की क्लासेस से किया हो, आज मैं कोशिश करके आज या कल में सारी क्लासेस अपलोड भी हो जाएंगी यूट्यूब पे। और बाकी जो आप लोगों ने जो 10 डे सेशन जो जूम पे लिया है, उन सब के लिए बेसिकली ये प्लान है कि अब से आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी, क्योंकि आज आपकी क्लास है आप लोगों की। सही है, तो अब आप लोगों के पास टाइम है 26th of April से लेके 18th मई तक। 19th मई को एग्जाम है आप लोग का, ऐसे ही है। चार्ट पे जवाब दे दो जल्दी जल्दी। सही 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 सही, 19th मई को है। ठीक है, मैंने कभी कुछ भी नहीं बात की अभी। चलो सुनो, तो PPT 2 का हम लोगों ने प्लान डिस्कस करना है आज। 26th of April टिल 18th मई तक का प्लान है, जिसमें एक एक चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई हुई कि आप लोगों ने कैसे करनी है, सब गौर से देख लो। आज रात तक मैं इंशाल्लाह जो ड्राइव है, ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा। स्टेट ट्रांजिशन, स्ट्रक्चर चार्ट और फ्लो चार्ट, इन सब के PDFs कंपाइल करके विद मार्क स्कीम, ये सब चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी आप लोगों को यूट्यूब के, और आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी मैं डाल दूंगा। सही है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 26th of April को स्ट्रक्चर चार्ट के अगर लेक्चर्स देखने हैं यूट्यूब पे, बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, पास्ट में उसकी प्रैक्टिस भी है, लेकिन आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। स्ट्रक्चर चार्ट करना है और फिर उसके बाद थ्योरी का रिविजन, ये कल आप लोगों का काम है कि सारा जितना भी थियोरेटिकल स्टफ है, वो सब चीज़ें आप लोगों ने 26th of April को रिवाइज करनी है, हर एक एक चीज़, चाहे वो IDE क्यों ना हो, मतलब क्योंकि वो PPT 1 के अंदर ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसको रिवाइज कर लेना क्योंकि वो थ्योरी के नोट्स के अंदर ही मौजूद है। फिर प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल है, वो सब चीज़ें रिवाइज करनी है, कंस्ट्रक्ट्स हो गए, बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं वो मैं बता रहा हूँ, छोड़ दो उसको, अब्दुल आदमी मैं बता रहा हूँ सब चीज़ें। सही है, तो बेसिक करना क्या है आप लोगों ने, कि मैं आप लोगों को जो भी अभी टॉपिकल्स पास आप लोगों को कंपाइल करके दे रहा हूँ PDF के, आज रात तक इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। तो वो स्ट्रक्चर चार्ट और थ्योरी का रिवीजन आप लोगों ने करना है, उसके सारे स्ट्रक्चर चार्ट के सवाल, एक मिनट जो मैं बताता हूँ। सही, स्ट्रक्चर चार्ट के हर एक एक सवाल को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, उसके बाद थ्योरी का रिवीजन आप लोगों ने कल का काम है आप लोगों का 26 अप्रैल। अच्छा, पहले मैं सारा डिस्कस कर लूँ, फिर मैं हम लोग के चैट के जाऊँगा। अभी रुक जाओ एक मिनट, अभी कोई चैट पे मत पूछा। फिर 27th अप्रैल को मैं फ्लो चार्ट के भी आप लोगों को सारे सवाल कंपाइल करके दे रहा हूँ, आप लोगों ने हर एक एक सवाल को अटेम्प्ट करना है। फ्लो चार्ट के भी सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, कुछ भी चीज़ नई नहीं है, सिर्फ आप लोगों को अगर लॉजिक बनाना आ जाती है तो फिर फ्लो चार्ट भी आप लोग बना सकते हैं। सही, फिर उसके बाद 28th अप्रैल से आप लोग अपना ईयरली पास्ट पेपर्स का सेशन जो है वो स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप लोगों का 6 मई तक का एग्जाम है, तो आप लोग अपने PPT 1 पे भी फोकस करो। सही है, PPT 1 पे भी फोकस करो, और उसके बाद आप लोगों को PPT 2 को भी साथ साथ लेके चलना होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने 2019 इसलिए रखा है क्योंकि हम लोगों ने जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किए हैं वो 2019 में से किए हैं, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ये सारे पेपर्स जो हैं 2019 के जितने भी हैं, ये सब बेसिकली 2019 के हम लोगों ने अच्छे खासे सवाल किए हुए हैं, बस आप लोगों को थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है, बाकी स्ट्रक्चर चार्ट और फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें आप लोगों का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पक्के होंगे, और सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग जो हम लोगों ने क्लासेस मिली हैं, सवाल पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों की इसके अंदर 2019 के पास्ट पेपर्स में कवर होंगी। हर दिन एक पास्ट पेपर करना है 6th of May तक। सही है, 5th मई तक बेसिकली आप लोगों ने डेली एक एक पास्ट पेपर सॉल्व करना है PPT 2 का। नहीं करोगे, सब गौर से सुन लो, नहीं करोगे पछताओगे, पहली बता रहा हूँ। क्योंकि जो अब तक जितनी क्लासेस ली हैं, वो सिर्फ एक तरीके से हम लोगों ने बेसिक जो चीज़ सीखी है वो ये सीखी है, और जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो ये है कि भाई आप लोगों को सवाल पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए और सोचना आ जाए। अभी तक आप लोगों को सवाल सारे सॉल्व करने नहीं आए हैं। एक चीज़ दिमाग में रखो, इस चीज़ पे फोकस करो, और अभी एकदम से ये नहीं समझो कि हम लोगों ने 10 डेज का सेशन ले लिया है, हम सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। सब गौर से सुनो कि आप लोगों ने हर एक एक सवाल की प्रैक्टिस करके जानी है, अपने कॉन्सेप्ट्स को और पक्का करो कि हम लोगों ने जितनी सारी चीज़ें सीखी हैं, टेक्निक्स यही इस्तेमाल होंगी, हर एक चीज़ यही इस्तेमाल होगा, लेकिन प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि हर सवाल जो होता है वो डिफरेंट आता है, सवाल कभी भी सेम
नहीं आएगा। तो आप लोगों का बेसिक काम क्या है कि ईयरली पास्ट पेपर की प्रैक्टिस इसीलिए है क्योंकि आप लोगों ने सवाल आप लोगों को पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए, और इस चीज़ की हम लोगों ने समझना सवाल को समझते कैसे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है अब आप लोगों का काम है। तो 2019 के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, 5 मई तक आप लोगों ने डेली बेसिस पे हर एक एक पास पेपर करना है, कुछ भी हो जाए। मतलब पेपर वन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इसका टाइम निकालना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट मार्क्स मार्क्स स्कीम होंगे, सब चीज़ें सुन लो गौर से, मार्क्स स्कीम के बगैर सॉल्व करने हैं। एंड में अपने ग्रेड को खुद चेक करो, एक एक चीज़ चेक करने के बाद कोई भी किसी के पास भी एंड ऑफ द टाइम किसी के पास टाइम नहीं होता है एंड ऑफ द मंथ कि आपको वो पेपर चेक करके आपको बताए कि भाई कौन सा मतलब आप लोगों के कितने मार्क्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। या अगर किसी ग्रुप पे पूछ सकते हो तो ग्रुप पे पूछ लो, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप लोग इसकी खुद मार्किंग करो। खुद मार्किंग करने के बाद अपनी गलतियों को खुद आइडेंटिफाई करो, गलतियां आइडेंटिफाई करने के बाद उनको बेहतर करने की कोशिश करो कि इसकी क्या तुम लोग टेक्निक और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। पहले आप लोग को जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आप लोग इवन मार्क्स स्कीम को पढ़ के भी समझ नहीं पाते थे, तो अब ये इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो मार्क्स स्कीम से बिल्कुल एंड में समझना है, पहले खुद पेपर अटेम्प्ट करना है, उसको ग्रेड करना है। स्टार्टिंग में होगा कि आप लोग के मार्क्स गंदे आएंगे, लेकिन बाय टाइम जितने आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स भी बेहतर होते जाएंगे। इस चीज़ को दिमाग में रख के सॉल्व करना है कि आप लोग अब एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं। सही है? तो 2019 के सारे पास पेपर्स डेली बेसिस पर सॉल्व होंगे 5 मई तक। 5 मई को भी आप लोग एक ही पास पेपर सॉल्व करोगे, और फिर 6 मई को आप लोग का पेपर वन का एग्जाम है। पेपर वन के एग्जाम देने के बाद आप लोग 2 पास पेपर पेपर टू के सॉल्व किया करोगे। सही है? 6 मई को 2 पास पेपर्स करने हैं, 7 मई को 2 पास पेपर्स करने हैं, 2019 के खत्म हो जाएंगे, फिर 2018 स्टार्ट करो। 2018 के अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, 2021 पे डायरेक्ट जंप नहीं करना। फिर बता रहा हूँ 2021, 9618 डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, और उसकी प्रैक्टिस मैंने इसीलिए आप लोगों को नहीं करवाई हुई ताकि आप लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचो कैसे सॉल्व कर सकते हो। सही है? सुहेब मैं डिस्कस करता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। सही है? 7 मई और 8 मई को चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, आप लोगों को करना जरूरी है। हर चीज के साथ लेके चलो, वरना नहीं हो पाएगा। फिर बता रहा हूँ, नाइन्थ मई को पेपर दे के वापस आ जाओगे ना बेटा अब्दुल रशीद, 9 मई को पेपर दे के आप वापस आ जाओगे, फिर आप लोगों ने ये देने करना है। सही है? करना जरूरी है, इस चीज को दिमाग में रखो, करना बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो ग्रेड की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता आपसे। सही है भाई? जिस दिन पेपर हो उससे एक दिन पहले के ईयरली छोड़ देना, कोई मसला नहीं। जैसे 8 मई को, 9 मई का आप लोग का पेपर है, तो 8 मई का आप लोग मैनेज करना सीखो ना चीज़ों को। अब 8 मई को जैसे तुम लोग का 9 मई को पेपर है, और अब आप लोगों ने क्या किया, 8 मई के पेपर आप लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर लो कहीं, या 3 कर लोगे एग्जाम्स के बाद 3 कर लेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। सही है? थोड़ी बहुत चीजों को आगे पीछे कर लो, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों ने करनी जरूरी हैं, और कोशिश करो कि टाइम पर ही हो जाए। बहुत टाइम होता है भाई, पूरा पूरे दिन है आप लोगों के पास, तकरीबन 12-13 घंटे हैं, उसमें से 3-4 घंटे इसके लिए, 4 घंटे इसके लिए निकाल दो। सही है? 9 मई को आप लोग अपना जो भी M1 का शायद एग्जाम है आप लोगों का, तो 2020 का पेपर आप लोग देकर आएंगे, मई जून पेपर 2023, और फिर आप लोगों ने 2018, 2019 ये सब जो है अभी आप लोग के सिर्फ एक तरीके से समझ लो कि कंस्ट्रक्शन हो रही है आप लोग की। यहाँ पे आप लोग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अब यहाँ पे बिल्ड होना स्टार्ट हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होगी। फिर आप लोग के जो 2020 के पेपर्स हैं इनको अटेम्प्ट करना है, इसमें थोड़ा सा आप लोग का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप लोगों को 11 मई को आप लोगों ने क्या रिवाइज करना है, ADT का पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है 11 मई तक। मैं वीडियोस भी डाल दूंगा ADT की, जो कि पेपर वन के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के पास पेपर्स टॉपिकल अटेम्प्ट करने हैं, इसकी भी मैं आप लोगों को टॉपिकल्स प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे 1-2 दिन पहले रिमाइंड करवा देना सब कि 11 मई को आप लोगों को मुझे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के मुझे टॉपिकल पास पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं, और ADT की कंप्लीट आप लोग रिवीजन करोगे। लेक्चर्स लेने हैं तो लेक्चर्स लो। 11 मई को आप लोग कोई भी ईयरली पास पेपर सॉल्व नहीं करोगे। इतना सब समझा रहा हूँ, 2020 में कोई 9618 का पास पेपर हुआ ही नहीं है यार, मतलब यार हद हो गई इतना साहब। 2021 से 9618 स्टार्ट हुआ है। सही है?
2020 तक कर ली आप लोगों ने, 11 मई को आप लोगों ने रिवाइज कर लिया एडीटी, सब चीज़ें करने के बाद स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के आप लोगों ने मुझे रिवाइज करवाना है कि भाई आप लोगों ने मुझे बेसिकली टॉपिकल पासवर्ड्स आप लोगों को कंपाइल करके देने हैं। फिर 12 मई के बारे में बात करते हैं। सही है, अब देखो यहाँ से आप लोगों का जितना आप लोग अपनी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकते हो यहाँ तक करो, फिर 12 मई से ऑनवर्ड्स, क्योंकि 2021 9618 के पासवर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं, उस पे बहुत सुकून से पेपर को अटेम्प्ट करो। 2021 के हर एक एक चीज़ को एडिटी तुम लोगों ने रिवाइज किया हुआ होगा, तो इसके सवाल भी 9618 के अंदर मौजूद हैं। स्टार्टिंग में 2021 अटेम्प्ट करके मत बैठ जाना, तुम लोग का सारा कॉन्फिडेंस ज़मीनों में गड़ जाएगा, पहली बता रहा हूँ। बिल्कुल ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट करने के बाद फिर अटेम्प्ट करना है, आसान लगेगा, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग के कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो चुके होंगे। 9618 के अंदर चार पेपर्स हैं जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं, मई जून में दो, एक रिपीट होता है, और अक्टूबर नवंबर में दो, एक रिपीट होता है। सही है, मैं बहुत ही आलाना साहब, सही है। तो ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 12 मई, 13 मई, 14 मई, 15 मई को 2021 9618 के सिर्फ एक एक पास पेपर करना है। सही है, फिर उसके बाद 16 मई को आप लोगों ने, 16 मई, 15 मई तक आप लोगों का ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी 2021 के पास पेपर्स 9618 के। फिर 16 मई से 2021 के पास पेपर्स 9608 के पास पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, मई जून पेपर 21, 9608, 2021 मई जून पेपर 22। सही है, दो पास पेपर्स अटेम्प्ट होंगे। फिर 17 मई को 2021 के 9608 वाले पास पेपर्स अटेम्प्ट होंगे। सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं कि कौन सी चीज़ कब अटेम्प्ट करनी है। 18 मई को 2021 के आखिरी पास पेपर्स जो कि 9608 अक्टूबर नवंबर पेपर 22 और अक्टूबर नवंबर पेपर 23 आप लोग अटेम्प्ट करोगे 18 मई को। उसका फिर सारा रिवीजन करो, सारा थ्योरी का रिवीजन करने के बाद एडीटी रिवाइज करो, स्टेट ट्रांजिशन रिवाइज करो, जो जो नई चीज़ें हैं उनको रिवाइज करो। एक मैं आप लोगों को पीडीएफ और प्रोवाइड करूंगा एडीटी से रिलेटेड, उसको रिवाइज करो। हर एक एक चीज़ को याद करने के बाद 19 मई को फिर एग्जाम दे दो। सही है सर, जो 9618 है उनका आप शॉर्ट सॉल्यूशन अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे, एक मिनट को बताता हूँ। सही है, ये बेसिक आप लोगों का प्लान है, इसकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब के, बाकी मैं आप लोगों से बात करता हूँ एक मिनट चैट पे, एक मिनट को बस।